good morning all of you in today's part we will discuss about the different methods to determine the mechanism of the reaction There are different methods by which we can determine the mechanism of the reaction. Means mechanism means the steps through which the reaction takes place. So, out of these different method in this part we will mainly discuss about the product analysis method. So, सबसे पहले हम ये देख लें कि जो आपकी reaction है वो क्या होती है, फिर तभी हम देखेंगे कि उसके दौरान जो mechanism होगा उसको हम कैसे determine कर सकते हैं। तो so, सबसे पहले हमारा part आता है, what is a reaction या what is a process? प्रोसेस आप किसे कहते हैं रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर तो आप कहेंगे जब के बीच में हो के बीच में, तो जो रिएक्टेंट है उनके अंदर जो ओल्ड बॉन्ड है दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग वो टूटने शुरू हो जाएंगे और फिर आपके नए बॉन्ड कुछ बनेंगे जिसकी वजह से नई बनी हुई चीजों को आप प्रोडक्ट कहते हैं लिया इसके अंदर. कार्बन के ऊपर के ऊपर उसके बाद हमने रिएक्शन की के के साथ जिसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो ओ एच नेगेटिव है जो ओ एच नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किस को डोनेट करेगा कार्बन को के ऊपर डोनेट करेगा इट एक्ट न्यूक्लियो फाइल अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता तो OH डोनेट किए जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अब पांच बॉन्ड हो गए तो इसीलिए एक बॉन्ड टूटेगा जरूर टूटेगा वही जो वीक है जो इजी लिविंग ग्रुप है इजी लिविंग ग्रुप कौन है सीएल है तो सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो सीएल नेगेटिव यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो देखो ये सीएल ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और के आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से कार्बन के ऊपर ओ OH एच लग गया ऐसे ही दूसरा जो CL है साइमल्टेनियसली अगर हम अटैक दिखाते दूसरे ओएच OH का तो दूसरा सीएल हटके वहां पे क्या लग जाएगा ओ OH. एच तो आपने क्या देखा कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड आपके बन गए फर्दर अगर रिएक्शन चले फिर से देखो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा ओ OH आ जाए तो कंपाउंड होता है अनस्टेबल वाटर लॉस होगा देखो इसके अंदर से स्टेप से तो फिर से कुछ बॉन्ड टूट गए ओ ओ और 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 एच के के बीच का बोन गया, C और o के बीच का का टूट टूट गया 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 सी देखो वाटर लॉस हो गया और फिर से नए बॉन्ड बने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या हुआ ये यहाँ पे एलडीहाइड्स बन गए क्या बन गए यहाँ पे ये एलडीहाइड्स तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि रिएक्शन क्या हुई शुरू में रिएक्टेंट थे फाइनली प्रोडक्ट बन गए रिएक्शन हो गई कुछ पुराने बॉन्ड टूट गए कुछ नए बॉन्ड बन गए तो आप क्या कहेंगे रिएक्शन हो गई इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपकी जब भी कोई रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि जो एक बॉन्ड होता है बॉन्ड किससे बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है कोई बॉन्ड ब्रेक होता है कोई नया बॉन्ड बन भी जाता है तो मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड ऑलवेज इनवॉल्व द रिडि ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अब हम देखेंगे कि रिएक्शन आखिर कितने टाइप की हो सकती है रिएक्शन की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं लेकिन फिलहाल जिस क्लासिफिकेशन की हमें यहाँ पे जरूरत है वो है आपकी के रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है द रिएक्शन द सिंपल रिएक्शन और द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल रिएक्शन कौन द रिएक्शन विच कैंट प्लेस इन ओनली वन स्टेप कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो जाए तो वो सिंपल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन द रिएक्शन विच कैन प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इसी रिएक्शन के पूरे होने में अगर एक से ज्यादा स्टेप चलती है तो आप उसे क्या कहते हैं वो आपकी कैसी रिएक्शन होगी दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ये एक से ज्यादा स्टेप में चलती है तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो इसके दौरान एक वर्ड आता है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्योंकि जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चली तो फिर हमें उसका देखना होता मैकेनिज्म इन द्सूच द रिएक्शन प्लेस

वन ऑफ दी स्टेप विल बी द स्लोएस्ट स्टेप एक स्टेप सबसे स्लो होगी एंड दैट स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप उसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म अब हम स्टडी करेंगे जो हमें डिस्कस करना है उसके लिए किस रिएक्शन के किस मैकेनिज्म को हम बिल्कुल करेक्ट माने कौन सा प्रपोज्ड मैकेनिज्म बिल्कुल करेक्ट होगा उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है तो द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर प्रोपोज रिएक्शन शुड बी एनर्जेटिकली फेवरेबल वो फेवरेबल भी होना चाहिए दूसरी बात इट शुड अकाउंट ऑल द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को वो फॉलो करता हो वो कंसिस्टेंट हो किसके साथ मैकेनिज्म ऑफ द एनालॉगस रिएक्शंस के साथ अब जो डिफरेंट मेथड हैं

तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ हम तो हम प्रोडक्ट हम तो हमारा कंसेंट्रेट रहेगा सिर्फ प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर प्रोडक्ट एनालिसिस जैसे नाम से पता चला क्या पता चला नाम से कि प्रोडक्ट को एनालाइज कर ले मींस कोई रिएक्शन है आप लैब में चले गए लैब में जाने के बाद आपने क्या किया उस रिएक्शन को किया रिएक्शन को करने के बाद आपने क्या किया आपका प्रोडक्ट बन गए प्रोडक्ट जो बने फिर आपने क्या किया अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लिया सेपरेशन कर ली उसकी प्रोडक्ट जो मिले उनको फिर आपने क्या कर लिया आइसोलेट कर लिया एनालाइज कर लिया आपने पता लगा लिया कि वो प्रोडक्ट कौन है फिर हमें अब करना क्या है शुरू में हमारे पास क्या थे रिएक्टेंट आखिर में बने क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट को हमने क्या कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर भी बना ली रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही है तो अब हमें क्या करना है उन रिएक्टेंटों की हेल्प से हमें उस प्रोडक्ट तक पहुंचना है फिर हम थ्योरेटिकल काम करते हैं मींस पेपर के ऊपर हम उसको मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं लेकिन वही मैकेनिज्म करेक्ट होगा जो एनर्जीटिकली फेवरेबल हो प्लस साथ के साथ वो मैकेनिज्म ठीक होगा जो जितने भी प्रोडक्ट बने अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो एक ऐसा मैकेनिज्म हमें लिखना होगा जो, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के बनने को एक्सप्लेन कर सके लेकिन अगर हमने ऐसा मैकेनिज्म लिख दिया कि जिससे दो मैकेनिज्म बन सकते हैं दो प्रोडक्ट बन सकते हैं तो वो मैकेनिज्म हमारा रोंग हो जाएगा तो मीन्स वो कहलाता प्रोडक्ट एनालिसिस प्रोडक्ट की एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के बाद

आइसोमर्स के बारे में पढ़ा है ना कि द द कंपाउंड्स सेम किुलर फार्मूला जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उसके अंदर अलग अलग हो तो आप उन्हें आइसोमर्स कहते हैं एक स्ट्रक्चर तो हमने ये बना दी जो हमारे पास है ये एलाइल हेलाइड हमने लिया अब हमने क्या किया जब हमने दो एलाइल हेलाइड लेते हैं चाहे आप ले लो एलाइल हेलाइड नंबर वन जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी तो दो प्रोडक्ट बनते हैं कौन कौन से दो प्रोडक्ट जैसे हमने लिखा एट्टी फाइव परसेंट तो ट्रशी एल्कोहल बन जाता है और फिफ्टी परसेंट बोलो कौन बनता है प्रेमरी एल्कोहल ये पाया गया एक्सपेरिमेंट के बाद हमने प्रोडक्टो को आइसोलेट किया आइसोलेट किया तो क्या मिला दो प्रोडक्ट मिले एक ट्रशरी एल्कोहल एक आपका प्राइमरी एल्कोहल क्योंकि अमाउंट भी डिटरमाइन की

अब इसमें हमने क्या किया सबसे पहली स्टेप के अंदर सीएल नेगेटिव को लॉस किया सीएल नेगेटिव लॉस करने के बाद क्या बना कार्बोकेट बना बोलो कौन सा मैकेनिज्म है ये जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन्वॉल्व है सिर्फ ये रिएक्टेंट बोलोकॉन एस वन मैकेनिज्म कहलाता है क्या कहलाता अगर ये रिएक्शन हुई आगे जाके कि ये कार्बन जिसके ऊपर सीएल वहां पे हटके कोई और ग्रुप लग जाए तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है क्यों क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चीज कौन है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो आपका लॉस हो गया अब दोबारा अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल लेकिन क्या पहली स्टेप के अंदर ही साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया नो ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन सो दैट मैकेनिज्म इज द एस मैकेनिज्म बोलो कैसा मैकेनिज्म है ये एस एन वन मकैनिज्म होगा आपका जिसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं देखो आपका कार्बोकेटाइन भी बन गया अब क्या होगा अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो ओ एच नेगेटिव है मान लीजिए हम उसको इसके ऊपर अटैक करते हुए दिखा दें अगर इसके ऊपर अटैक कर दे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी देखेंगे प्लस साथ के साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें रेजोनेंस शो कर दे तो दूसरा कार्बोकेट कौन सा बन सकता है बताओ अभी कार्बोकेट ये कौन सा बना हुआ है ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बोलो कितने कार्बन से अटैच है ये कार्बन जिसपे चार्ज है वो थ्री थ्री कार्बन से अटैच है सो इट इज ए ट्रशरी कार्बोकेट बोलो कैसा कार्बोकेट यहाँ पे ये बन चुका है इट इज द ट्रश्री कार्बोकेट अब हम क्या करेंगे अब क्योंकि जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ देखो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है तो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है तो रेजोनेंस प्रोसेस चल सकती है रेजोनेंस प्रोसेस कैसे चली कि कार्बन कार्बन के बीच जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे दीस बोथ इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज देखो आगे उन्होंने शिफ्ट कर दिए तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था वहां पे क्या बन गया बोलो डबल बॉन्ड और ये बैक कार्बन था जो एंड कार्बन था सी एस टू स्ट्री बोलो कैसा चार्ज आ गया देखो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ये कार्बोकेटाइन कैसा है दैट इज द प्राइमरी कार्बोकेट ये तो प्राइमरी कार्बोकेटन है और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल तो प्राइमरी तर, तर, कार्बोकेटैन से ज्यादा स्टेबल बोलो कौन होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है ट्रशरी कार्बोकेटाइन तो आउट ऑफ दीज टू कार्बोकेटाइन इज़ अ स्ट्रक्चर नंबर थ्री दैट इज द ट्रशरी कार्बोकेटैन स्ट्रक्चर नंबर फोर दैट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटैन बोलो कौन ज्यादा स्टेबल ट्रशरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो अब इसके बाद क्या करें अब इसके बाद देखो हमारे मीडियम के अंदर कौन है इनकमिंग न्यूक् वो कौन है नेगेटिव OH नेगेटिव देखो OH ने अटैक किया किसके ऊपर जो ट्रश्री कार्बोकेटाइन वाला कार्बन जिसके ऊपर चार्ज था देखो वो क्या करेगा वहां पे? ये OH ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देखो डोनेट किए मींस उसके ऊपर अटैक कर दिया मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे तो देखो वहां पे ओ OH एच लग गया जाके क्योंकि ट्रशरी कार्बोकेट मोर स्टेबल था इसलिए इससे जो प्रोडक्ट बना इससे बन अटैक करेगा, करेगा अब जो कार्बोकेट कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी एक एल्कोहल है लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से बना है तो इस तरह से हमने जो दो प्रोडक्ट बनने थे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट के दौरान जो बात हमने देखी थी कि 85 बनना चाहिए, सिर्फेंट फिफ्टीन भी कर दिया क्योंकि सिर्फ तभी था, अगर कैसे चलती कार्बोकेट के, के थ्रू चलती अगर रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्ट्यूशन रिएक्शन होती मीन कार्बोकेटैन बना तभी उस कार्बोकेट के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है ट्रशरी कार्बोकेट प्राइमरी में बदला वो एक अलग बात ट्रशरी कार्बोकेट के, कार्बो के, के प्राइमरी में बदलने के चांस कम है क्योंकि हमेशा ही जो एक लेस स्टेबल कार्बोकेट है मोर स्टेबल में बदलता है लेकिन चांसेस तो है ही लेकिन वो एक अलग बात की वो कम अमाउंट में मिलेगा

और इस कार्बन के ऊपर बोलो सी एल हटके बोलो क्या लग जाता ओ OH. एच और आगे वही सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री बोलो प्रोडक्ट क्या बना ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका टर्स एल्कोहल बन गया क्या प्राइमरी एल्कोहल ऐसे बनता ना प्राइमरी एल्कोल नहीं बनता इट मीन हमारे पास हमारे दिमाग में दो मैकेनिज्म आए मीन्स एस एन वन चला के देखते हैं एस एन टू चला के देखते हैं एस एन वन चला के देखा उसमें कार्बोकेटन बना कार्बोकेट की रीअरेंजमेंट हो गई दो प्रोडक्ट का बनना हमने एक्सप्लेन कर दिया दूसरा मैकेनिज्म जो मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाया कि एस एन टू मैकेजमेंट मैकेनिज्म चलाते एक ही प्रोडक्ट बनता दो प्रोडक्ट नहीं बनते एक प्रोडक्ट कौन सा बनता सिर्फ ट्रश्री एल्कोहल मीन्स वो कार्बन जिसके से जिसके ऊपर एल लगा हुआ है उसी कार्बन के ऊपर क्या लग गया बोलो जाके ओ एच तो मीन सिर्फ ट्रश्री एल्कोहल बनता आपका प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता एक स्टेप के अंदर अगर हम ऐसा शो कर देते तो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा ठीक है रिएक्शन कैसे चली होगी तो एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू आपकी रिएक्शन चली होगी तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है एस एन टू मैकेनिज्म इसमें नहीं चलेगा दूसरा आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि मान लो यहां पे अटैक नहीं हुआ ऐसा भी तो हो सकता है कि नेगेटिव OH ने अटैक किस पे किया होगा देखो उपर, देखो डॉटेड लाइन से दिखाएं इस कार्बन के ऊपर जो कंजुगेशन में है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए देखो ये आगे शिफ्ट हो गए होंगे फिर सीएल निकल जाए फिर भी तो आपका ये मैकेनिज्म देखो चल सकता है फिर भी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा लेकिन अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे देखो वो क्या हो सकता है ये सी एस थ्री और यहाँ पे बोलो क्या रहेगा आपका ये निकल गया यहां से सीएल डबल बॉन्ड आपका आगे आ जाएगा देखो, देखो।, देखो। ये डबल बॉन्ड ये सी एच रहेगा ये सिंगल बॉन्ड सी एच टू और सी एच टू के ऊपर क्या लगेगा यहाँ पे ये ओ OH. एच देखो ओ OH. एच तो ये प्राइमरी एल्कोहल बनना हमने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन बात ये है बड़े ध्यान से देखें अगर हम इस बात को देखें तो वो बात प्रूव नहीं होती 85 तो बनेगा और 15 बनेगा। अगर हम कि वो कार्बन जिसके ऊपर सीएल है उसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका ट्रशी एल्कोहल बन गया और ये जो डबल बॉन्डेड वाला जो कार्बन है टर्मिनल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये प्राइमरी एल्कोहल देखो बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल देखो प्राइमरी एल्कोहल बन गया तो मीन्स ये लगता है कि दोनों जगह अटैक करने के चांस इक्वल हैं तो 50 50 परसेंट मैडम बनना चाहिए या आपने हो सकता है ऐसे सोचा हो कि जो ओ OH नेगेटिव है वो कार्बन जिसपे सी एल है उसके ऊपर तो स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे उसके अटैक करने के चांस कम होंगे अटैक करने के चांस कम होंगे तो वो कार्बन जिसके ऊपर सी अगर उस पर अटैक करके रशी एल्कोल बनता तो कम अमाउंट में बनना चाहिए एस एन के दौरान बनना चाहिए ना कम कम अमाउंट में क्योंकि पे पे स्टेरिक ओएच OH नेगेटिव के के अटैक करने चांस कम है, तो मिन्स अगर हम SN2 जो और, और मेजर प्रोडक्ट तो आपका क्या बनना था आपका? था आपका बनता क्योंकि पे स्टेरिक है प्राइमरी एल्कोहल देखो से बन जाता लेकिन हमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव ये करना है कि जो ये रिएक्शन चली इसके दौरान

तो इस तरह से ये प्रोडक्ट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका पता लगा सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके अगर हमारे पास किटोक्सिम्स होते किटोक्सिम्स होते ऐसे एल्डोक्सिम एल्डोक्सिम्स भी होते हैं हमने क्या किया देखो ये हमने oxa, ले लिए जिसमें नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है ओएच OH. फिर हमने इसमें बैकमान रीअरेंजमेंट देख लिया हमें यह देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बना होगा करेक्ट मैकेनिज्म देखना है देखो सबसे पहली स्टेप में हमने क्या डाला एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन चलती है तो एच पॉजिटिव हमने लिख दिया कहां से आया कोई एसिड डाल दिया होगा हमने सल्फ्यूरिक एसिड स्मॉल अमाउंट के अंदर डाला होगा तो एसिड के अंदर से क्या आ गया एच पॉजिटिव क्योंकि अकेला एच पॉजिटिव तो स्टेबल होता नहीं तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखा करें हमने h पॉजिटिव लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी कंटेनर के अंदर से h पॉजिटिव निकाला और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया मींस हमने कोई एसिड ही डाला है उस एसिड के अंदर से ही तो h पॉजिटिव हमें मिले हैं तो अब क्या हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर दो-दो लोन पेयर होते दिखा हमने एक ही रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए h एटम को इलेक्ट्रॉन एक्टिव तो हो गया अभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से अटैच है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा लेकिन ऐसा करने से नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव अब होगा अटैक अटैक कहां से होगा देखो जो एंटी एंटीपोजिशन के ऊपर अटैक है OH ग्रुप के एंटी बोलो कौन है यहाँ पे देखो बिल्कुल स्टार्ट में देखो तो OH, आर यहाँ पे भी बोलो कौन है एराइल एराइल ग्रुप ग्रुप अब अटैक करेगा यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ देखो कार्बन और एराइल के बीच जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को लेके एराइल आएगा नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा मीन नाइट्रोजन के साथ बोन बनाएगा और इसी वजह से इजीली ऑक्सीजन जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ ऑब्सटेक्ट कर लेगा एनो बोन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देखो ऑब्सटेक्ट कर लिया वाटर लॉस हो गया बोलो

सीएन बॉन्ड के साथ सी एन डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली तो प्रस आपकी शिफ्टिंग होगी ओ एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट कर दिए ओसी के बीच डबल बॉन्ड बन गया कार्बन के पहले से चार बॉन्ड थे पांच हो गए अब सीएन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन की तरफ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास कौन आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव कौन जो ओएच OH बॉन्ड से कौन निकला था एच पॉजिटिव तो ये वहां पे जा लगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया मींस आपके एमाइड्स बन गए गएड बने

आपका वो नाइट्रोजन नाइट, के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर जो ओ OH एच है ओ OH एच के जो एंटी ग्रुप है एंटी ग्रुप कौन है एआर एराइल ग्रुप एराइल ग्रुप का अटैक हुआ है और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो देखो हमने क्या किया हमने ये ले लिया जिसमें

ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड हो गया मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गया अब नाइट्रोजन जिसके ऊपर था उसके एंटी ग्रुप कौन है 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 बार आर 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 पे देखो ये आर आर क्या करेगा आर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अटैक करेगा कहाँ पे उस नाइट्रोजन के ऊपर जिसके ऊपर प्रोटोनेटेड आपकी ऑक्सीजन है तो किया अब ऑक्सीजन जो प्रोटोनेटेड हो गई मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गई एनओ बोन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया वाटर का देखो लॉस हो जाएगा बोलो किस चीज का लॉस होगा यहाँ पे वाटर देखो लॉस हो गया माइनस में एच टू ओ तो अब क्या हो जाएगा इससे जहां पे आपका जो एल्काइल ग्रुप था जो सी एस नेगेटिव का जो शिफ्ट हुआ था उस कार्बन के ऊपर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज मिस कार्बो के टैन बन गया अगली स्टेप में क्या होगा मीडियम में वाटर है वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर और क्या होगा ओ एच OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और अपने लॉन पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को मिस कार्बन के ऊपर लग गया ओ एच OH ग्रुप OH लग गया तो अब क्या होगा OH एच बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एच अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो OH एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन CN एन बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं, तो मीन रेजोनेस चलेगी लेकिन रेजोनेंस मीन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शिफ्टिंग ऑफ एटम भी होगी तो जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शिफ्टिंग ऑफ एटम भी हो तो आप उसे कहते हैं प्रोसेस चलेगी आपके देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के शिफ्ट हुए बॉन्ड बॉन्ड के बीच में वहां पे डबल आ गया कार्बन के पांच बॉन्ड पांच बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा जरूर टूटेगा कौन सा जो वीक है वीक पाई बॉन्ड तो सी और एन के बीच में जो डबल बॉन्ड था दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के ऊपर कौन जा लगेगा आपका H एटम जो OH बॉन्ड से H पॉजिटिव निकला है तो जिसकी वजह से ये 13 शिफ्ट हुई आपके ये बन गए सब्स्टिट्यूटेड अमाइड और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बोलो कौन सा ग्रुप जा लगा R R क्यों लगा क्योंकि एंटी था इट मींस मैकेनिज्म वही ठीक जिसमें कि एंटी शिफ्ट होता है तो एंटी ग्रुप कौन था N वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर OH है उस OH के एंटी जो भी ग्रुप होगा उसी की मूवमेंट होती है उसी की शिफ्टिंग होती है और इसी टाइप से हम एक्सप्लेन कर पाए मैकेनिज्म ऑफ द तो ये थी बैकमान रीअरेंजमेंट तो इस टाइप से प्रोडक्ट को हमने पहले क्या किया था बोलो आइडेंटिफाई किया आइसोलेट किया उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए फिर हमने मैकेनिज्म लिखा फिर हम करेक्ट मैकेनिज्म तक पहुंचे अब उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं देखो हमने ले लिया प्रोपाइल क्लोराइड देखो प्रोपाइल मीनस तीन कार्बन वाला कंपाउंड स्टेट चेन के अंदर है एक सी लगा हुआ है तो प्रोपाइल क्लोराइड हमने लिख दिया दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर वन हमने इसके अंदर डाला एक वस्केवेच और ये पाया गया हमने रिएक्शन कर दी लैब में गए और जब हम इंतजार में बैठे रहे प्रोडक्ट बन गए आइसोलेट किया ये पाया गया कि थ्री प्रोडक्ट बन गए प्रोपेन बोलो क्या क्या बन गया प्रोपेन वन -ओल, प्रोपेन टू ओल और प्रो वन -ओन -ओन, थ्री प्रोडक्ट बन बन गए तीनों प्रोडक्ट को आइसोलेट किया उनकी स्ट्रक्चर देख ली और पता चला कि ये तीन बनते हैं। अब हमें एक है। हम सबसे पहले चलते हैं एस एन वन मैकेजम के दौरान एस एन मके एस एन वन के दौरान क्योंकि एस एन वन के दौरान ही तो कार्बोकेट बनता है कार्बोकेटाइन में रिअरेजमेंट हो सकती है इसलिए डिफरेंट रियमेंट बन सकते हैं। तो क्योंकि वो बाद में देखेंगे कि वो मैकेनिज्मा है वो ठीक है या नहीं क्योंकि एस एन वन मकेनिज्म में कार्बोकेट बनता है कार्बोकेटैन में रीअरेंजमेंट हो सकती है तो डिफरेंट रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं इसीलिए हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन उठना ही चाहिए तो वो क्वेश्चन उठा हमने सोचा एस एन वन रिएक्शन चली होगी तो हमने यहाँ पे देखो एस एन वन रिएक्शन चलाई एस एन वन कौन सी होती है इन विच ओनली वन रिएक्टेंट मोलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ जो कार्बन और हेलोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन थे सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो निकल गया आपका कार्बोकेटाइन देखो ये बन गया अब जो कार्बोकेटाइन बना अब इसमें तो क्या हो सकता है ये जो कार्बोकेटन बनाइए प्राइमरी कार्बोकेट है तो क्योंकि कार्बो तो वो कार्बन जिसके ऊपर कार्बन कितने कार्बन से अटैच है एक से ही सो दैट इज द प्राइमरी कार्बोकेट ये प्राइमरी कार्बोकेट बन गया इट इज लेस स्टेबल ये लेस स्टेबल है तो अब क्या होगा अब इसके अंदर हम पहले प्रोडक्ट बना के देख लेते इसमें क्या बनेगा तो ये ओ एच क्योंकि

जिस जो वो कार्बन जो दो दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर से जो सी एच बोन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पे तो इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट क्या कहते हैं इसको हाइड्राइड शिफ्ट ऐसा भी हो सकता है या अगर अगर हमें प्रोपीन का बनना एक्सप्लेन करना हो बोलो किसका बनना एक्सप्लेन करना हो प्रोपीन का तो हम हाइड्राइड शिफ्ट ना करके क्या कर सकते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे सी एच बॉन्ड के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए सी और सी बॉन्ड के बीच में तो क्या हुआ जो ये एच है किस फॉर्म में निकल जाएगा ये निकल जाएगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में तो एल्कीन बन गई बोलो क्या बन गई आपकी एल्कीन देखो हमने ये मूवमेंट दिखा दी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमने दिखाई देखो आपकी एल्किन बना दी तो देखो प्रोप वन भी बन गई अब हम बताते हैं जो बात अभी हम बता रहे थे शिफ्टिंग की हम न, हमने इसी प्राइमरी को फिर से लिखा अब देखो इसमें क्या हुआ उसी टाइप से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये शिफ्ट कर जाए इस कार्बन के ऊपर तो वहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा इस कार इसको कहते हैं हाइड्रेड शिफ्ट और फिर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो गया है देखो हमने नीचे शो भी कर दिया देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट हुई और ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेट बोलो ये कौन बन गया सेकेंडरी सेकेंडरी ये ये रीअरेंजमेंट क्यों हुई क्योंकि इज मोर स्टेबल और प्रोडक्ट भी ज्यादा अमाउंट के अंदर बनेगा अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बना इसके ऊपर देखो अब क्या हो सकता है इसके अंदर से भी आपका एच पॉजिटिव लॉस हो सकता है देखो जैसे मैंने अभी शो किया ये अल्किन बन सकती है साइमल्टेनियसली जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बना था इसके अंदर अब हम क्या शो करेंगे

फिर प्रोपेन वन ऑल जो बना जो कार्बोकेटाइन था प्राइमरी अगर उसके अंदर से हम एच पॉजिटिव लॉस कर दें तो बोलो ये प्रोडक्ट आपका कौन बन गया यहां पे दैट इज द प्रोप वन इन फिर अगर रिअरेंजमेंट कर दें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में उसमें वो एच नेगेटिव ने अटैक किया तो बोलो प्रोडक्ट आपका कौन बन गया दैट इज द प्रोप एन टू ऑल तो इस टाइप से एस एन वन बिल्कुल करेक्ट मैकेनिज्म है उससे हम सारी चीजों के बनने को एक्सप्लेन कर पाए अगर हम दूसरी बात सोचें देखो अगर हमारे दिमाग में यह बात आ जाए कि एस एन टू चलता तो एस एन टू चलता तो उसी टाइप से जो ओ एच नेगेटिव जो होता कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज ओ तो एच OH नेगेटिव अटैक करता उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर सीएल अटैच है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता तो क्या होता आपका क्या प्रोडक्ट बनता देखो ये सी एच टू सी एस टू के ऊपर कौन जा लगा बोलो यहाँ पे ओ OH एच देखो तो ये अटैक हुआ बैक साइड अटैक हुआ सी एस टू और ये सी एस थ्री बोलो कौन बन जाता तो प्रोडक्ट इज ओनली वन प्रोडक्ट विल बी दैट इज द प्रोपेन अगर हम SN2 मैकेनिज्म चलाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता बोलो कौन सा मैकेनिज्म ठीक है SN1 ठीक है या SN2 SN2 ठीक नहीं है क्योंकि इसके दौरान तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन वन ओल लेकिन एक्चुअली

तो इस तरीके से द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो टेक्निक है इट इज हेल्पफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ द करेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक रिएक्शन और एग्जांपल के लिए दैट इज द चीची बेबिन रिएक्शन चीची बेबिन रिएक्शन हमने ली और उसके अंदर हमने क्या किया हमने ये पैराक्लोरोटोलविन ले लिया और क्या पाया गया ये पाया गया कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो इसके दौरान

कौन सा मैकेनिज्म होगा ठीक अब उसको हम देखते हैं देखो अगर हम ये मान ले कि NH2 ने वो कार्बन जिसके ऊपर Cl लगा हुआ है उसके नेक्स्ट जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर जो H है इस ये बेस का काम किया इसने ने NH2 ने बोलो किस चीज का काम किया इसने बेस का काम किया ने NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स H को दे दिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन के पास चले गए और जिसकी वजह से ये कार्बनायन बन गया अमोनिया तो लॉस हुआ यहां से बोलो ये बेस हमने डाला तो क्या लॉस हो गया अमोनिया और बन के आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि एच का लॉस हुआ है एच पॉजिटिव लॉस हुआ है यहां से आपके ये कार्बेनाइन बन गया इंटरमीडिएट कार्बेनाइन अब जो कार्बेनाइन बना इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हमने आगे फर्दर शिफ्ट किए अब सी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया अब जो स्पीसी बनी सीएल फिर लॉस हुआ फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है जो स्पीसी बनी दैट इज द बेन्जाइन बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कांस्टेबल स्पीसी है दैट इज द बेन्जाइन बेंजाइन बन गया अब जो बेंजाइन बना यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है अब हम क्या करें अब फर्दर स्टेप जब हमारी चलती है तो इसके अंदर क्या होगा इसको हमने दो बार लिख दिया दो बार किस लिए लिख दिया क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रिएक्शन चलने की अब पहले वाली को देखते हैं N -N जो था इसमें अब क्या होगा देखो एन नेगेटिव अब अटैक करेगा कहां ने कहा अटैक वहां पे करेगा अटैक जो रिएक्टिव साइट है रिएक्टिव साइट कौन सी है वो है रिएक्टिव साइट जहां पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो कहां पे परे अटैक वो जो दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी एक कार्बन के ऊपर कर देगा अटैक देखो मान लीजिए

तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बना बोलो क्या बना मेटा टोलविडीन बन गया अब जो इक्वलेंट करके हमने दूसरा की स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें अब हम क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे कि N -N ने देखो अब अटैक कहाँ नेगेटिव ने जहां पे अटैक हमने पहले दिखा दिया उससे एंड के ऊपर अटैक किया अब इसकी वजह से क्या हो इलेक्ट्रॉन देखो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया दूसरे कार्बन की तरफ मिस एन एस टू लग गया सी एस थ्री ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन के ऊपर अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चाहते कार्बेनाइन है कार्बे अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देखो आपके पास अमोनिया है अमोनिया का जो एच है जो एसिडिक एच है उसको इलेक्ट्रॉन दिए एनएच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ गया एन एच टू नेगेटिव लॉस हो गया रिएक्शन की थी जब हमने पैराक्लोरोटोलविन लिया और पैराक्लोरोटोलविन क्लोरो में जब हमने एन ए एन एस टू सोडाइड और अमोनिया डाला था और रिएक्शन रख के हम भूल गए थे और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिर हम जो प्रोडक्ट बने उसको आइसोलेट किया तो हमने क्या मिला था कि दो प्रोडक्ट बने दो प्रोडक्ट बने दो प्रोडक्टों का बनना हमें एक्सप्लेन करना था वो इस मेके दोन नहीं बनता तो ये दो बनने हम नहीं कर सकते थे For example, हम ये लेते हैं कि पहली स्टेप के अंदर जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया अटैक ऐसे नहीं होता देखो अटैक कैसे होता देखो हम बताते हैं देखो मान लीजिए रिएक्शन ऐसे चलती सिंपल रिएक्शन ये एन एस टू देखो नेगेटिव लिया हमने कि एन ए पॉजिटिव एनएस टू नेगेटिव देखो ऐसे नेगेटिव मान लीजिए देखो हम अभी शो कर रहे हैं इसने अटैक कर दिया होता सीधे इस कार्बन के ऊपर ऊपर बोलो कौन है सीएल सीएल स्लाइट स्लाइट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पहली ही स्टेप में निकल जाता तो क्या होता बताओ यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बोलो क्या बनना था ये यहाँ पे देखो सी एस थ्री तो नीचे हमने एस एच शो कर दिया ऊपर बोलो कौन लग गया यहाँ पे एनएस टू ग्रुप लग गया आपका अब जो प्रोडक्ट बना बोलो कौन बना पैरा पोजिशन के ऊपर एनएस टू लगा है तो इसका नाम क्या है पैराटोलविडिन है तो अगर एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन चलती हम बेंजाइन ना बनाते और ये सोचते कि साइमल्टेनियस अटैक हुआ ने टू नेगेटिव नेगेटिव का और साइमल्टेनियसली सीएल लॉस हो गया तो कितने प्रोडक्ट बनते एक ही प्रोडक्ट बनता और कौन सा प्रोडक्ट बनता पैराटोलविडिन क्या मेटाटोलविडिन बनता बिल्कुल नहीं बनता तो बताएं अब करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा है जो पहले हमने एक्सप्लेन किया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म वो ठीक है या जो अब मैंने अटैक करते हुए दिखाया वो ठीक है जिसमें एक ही स्टेप के अंदर एनएस टू ने, ने, ने किया और उसी step के अंदर सीएल का और simultaneously Cl का लॉस बोलो कौन सा ठीक ये तो गलत है ये मैकेनिज्म गलत है क्योंकि इस मैकेनिज्म के थ्रू तो हम दोनों प्रोडक्टों का बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इट मीनस हमने क्या प्रूव किया कि जो फॉर्मेशन है आपके सिंपल देखो हमने ऊपर लिखा भी है

बेंजन बना तो अब अगली स्टेप के अंदर बोलो कौन अटैक करेगा यहाँ पे दो बार हमने लिखा क्योंकि बेन्जाइन बनने के बाद देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एट द टू पॉसिबल साइट उन दोनों कार्बन के ऊपर अटैक होने के चांस है जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्यों एच लिया ओएच ने अटैक किया जैसे हमने अभी दिखाया सी एस थ्री ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन के ऊपर तो यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन एनाइन बन गया दोबारा से मीडियम के अंदर बोलो कौन है आपके वाटर है

तो इस टाइप से फिर से कार्बेनाइन देखो बन गया कार्बेन बना तो क्या हुआ फिर वाटर के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन देगा एच को देगा ओ एच नेगेटिव लॉस होगा अब प्रोडक्ट बना पैरा पैरास प्रोडक्ट बना दो बने एक मेटा मिथाइल फिनोल बना दूसरा पैरा मिथाइल फिनोल बना ये दो प्रोडक्ट बने।, बने कैसे बने कैसे बनना एक्सप्लेन कर पा कर पाएंगे हम अगर बेनजाइन बनेगा तो ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर ये रिएक्शन देखो उसी टाइप से एक ही स्टेप में चलती देखो ऐसे हमने ये क्यूएच लिख दिया कि OH नेगेटिव अगर OH नेगेटिव जो कार्बन जिसके ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है Cl जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक ही स्टेप में OH नेगेटिव अगर अटैक कर देता देखो इस कार्बन के ऊपर Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो निकल जाता तो आपका एक ही प्रोडक्ट देखो यहां पे बनना चाहिए था पैरा पोजीशन के ऊपर बोलो क्या लग जाता वहां पे OH देखो ऐसे OH और यहां पे नीचे कौन था देखो CH3 तो सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनता सिर्फ और सिर्फ पैरामिथाइल फिनोल का बनना एक्सप्लेन हो पाता क्या दोनों प्रोडक्ट का बनना हम एक्सप्लेन कर पाते बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाते सो दैट मैकेनिज्म इज रॉन्ग जो बाद में हमने बताया ये रॉन्ग है करेक्ट मैकेनिज्म वो है जो इसमें की बेंजाइन बना था वही हमने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ होता पैरामिथाइल फिनोल कैन बी एक्सप्लेन बाय द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन -फिनोल का बनना तो हम कर देंगे। लेकिन तो दो बने ना। दूसरे को तो हम नहीं कर पाए तो जो दूसरा बना है, -फिनोल, उसका बनना कैसे एक्सप्लेन करें इसका बनना हम सिर्फ तभी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इंटरमीडिएट बेंजाइन बना हो अगर इंटरमीडिएट बेंजाइन बना हो रिएक्शन के दौरान तभी हम दोनों प्रोडक्ट का बनना एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इस टेप से हमने देखा कि जो रिएक्शन थी जो डोव्स रिएक्शन है देखो ये ये देखो यहाँ पे आप डोव्स लिख देंगे जो ये रिएक्शन है ये भी एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है तो इसके दौरान भी जो प्रोडक्ट बने उनको आइसोलेट किया हमने और फिर हम करेक्ट मैकेनिज्म तक पहुंच पाए अगर हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हेल्प इन द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द करेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म तो ये थी टेक्निक जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस बोलो जिसको हम क्या कहते हैं product analysis so that is all about the technique that is called as the product analysis thank you that all about the today's lecture